तो ये तस्वीरें आपको नजर आती हुई गांव जवाला से हैं और ये छोटे आपको नजर आते हुए, हाँ ये किस प्रकार से इन्होंने जीता है बड़ा इनाम। और अभी जो दो छोटे हैं और गांव जवाला असंध के हैं और अभी इनको जो है किस प्रकार से महेंद्रगढ़ ज़िले में जो सम्मान मिला है और गांव के सभी जो लोग हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। आयोजित की गई थी इनाम हम आपको करनाल जिले के गाँव जबाड़ा से आ रहे हैं। गाँव जबाड़ा में और इस समय चाल ढाल रंग रूप कितने शानदार ये लगते हुए और ये तस्वीरें आपको नजर आती हुई। संजय के नाम है इनके इसका लक्ष्मी। अच्छा ये कटरी है। हाँ जी हाँ जी गोलू तो थोड़ा नहीं था पहले के नाम। हाँ जी और देखिए कितने शानदार ये झोटे आपको नजर आते हुए। बाबा जी ऊपर कर दिया बोलो। राज्य पशुधन प्रदर्शनी और यहाँ असंध जिला करनाल हरियाणा के गांव जबाड़ा से जहाँ पर ये डिस्प्ले के ऊपर जो देख पा रहे हैं इस समय ये हैं मुर्रा नस्ल, प्योर मुर्रा नस्ल के झोटे हैं जो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके लौटे हैं। इनके मालिक से भी बातचीत करेंगे, फिलहाल जानने की कोशिश भी यहाँ क्योंकि पशुधन के जो एक्सपर्ट हैं अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि प्योरिटी के जो 100% पैमाने हैं उन पर कितना खरा उतरे हैं ये और क्या उपलब्धि हासिल करके लाए हैं। फिलहाल जुड़ जाइए हमारे साथ और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर एक फर्स्ट जनरेशन की एक कटड़ी भी है, ये भी बताया जा रहा है कि मुर्रा नस्ल की क्योंकि इसी झोटे की है वो। हाँ बड़े वाले की। हाँ जी कौन है इसके ओनर? नाम क्या नाम है साहब? संजय जी। संजय जबाड़ा से ही हो? हाँ जी जबाड़ा से जी। तो ये जो आपके झोटे हैं जो मेल फैलो हैं ये बड़ी उपलब्धि हासिल करके लाए, कहाँ गए, कौन सी प्रदर्शनी में गए? मुजफ्फरनगर गए थे जी, चरखी दादरी गए थे जी, जी कुरुक्षेत्र गए थे जी, जी जी अरे वो महेंद्रगढ़ गए थे जी, महेंद्रगढ़ जगह ले जी। तो वहाँ पर क्या प्रदर्शन रहा इनका? ये दूसरे पहा जी, वो तीसरे पहा महेंद्रगढ़ जी। तो कितने प्रतिभागी थे वहाँ पे? वहाँ थे 200-250 झोटे जी। तो हरियाणा से ही थे? हाँ जी। मुर्रा नस्ल का ही सिर्फ मुकाबला था वहाँ पे जी, गाय का, देसी का, एचएफ का जी। तो आप ये दोनों ले गए थे, नाम बताइए इनके। ये बड़ा वीरा जी चार दांत में जी। जी अरे ये जी साल का होया जी। जी ये तो आधी खीरा होगा ना? हाँ जी साल का होया जी। तो ये घर का ही है? घर के ये ले आए थे खरीद के, वो घर के जी दोनों। अच्छा तो कब से शौक आपको है इस पशुधन को इस तरह से? हमारे बड़े बड़े रहने शौक था जी। आपके मन में क्यों आया कि मतलब मुर्रा नस्ल के ही, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध हरियाणा की जो नस्ल है इस समय वो देखी जा सकती है, मेल बफेलो जो है पीछे इनाम जीत कर लाया, क्यों आपके मन में आया कि मुर्रा नस्ल को ही पालना चाहिए? ये सोच रहे जी छोटे पशु में बारह नहीं गया दिनदार में, नौकरी तो है नहीं जी, मैं सोचती हूँ मेरे घर घर में हर गांव में ऐसे पशु हो। तो आपके पशु बाड़े में दुधारू भैंसे भी होंगी? जी, वो अलग रहती है जी, वो भी मुर्रा नस्ल से संबंधित है? हाँ जी मुर्रा में सारे पशु। तो उनमें दुग्ध प्रतियोगिता में कितनी पास है हरियाणा से? नहीं जी कोई करवाई, मैंने अभी शौक होया पास करवाऊंगा जी। जी 18 लीटर दूध की 19 लीटर उसकी मात के नीचे। तो इसकी खुराक के बारे में बताइए जो बड़ा वाला है और छोटे वाला बारी बारी से जी। ये जी दूध कितने हैं? कितना? ये जी 10 किलो दो गाँव बंदर अंदर 12 दो सारा यही पीते हैं जी। और इसके अलावा कोई फ्रूट वगैरह है? ये फ्रूट नहीं है जी। अच्छा बाकी दाना इनका चूरी है, खड़ बनवाड़ा सारा मिला जी इनको जी। घी भी मिला हफ्ता। अच्छा सप्ताह में एक बार घी? देसी घी देते हैं इनको। तो आगे ये बढ़ा देते रहेंगे बढ़ावा आप इसी तरह से? हाँ, इसी नस्ल को है? हाँ जी हाँ जी पूरी वो मन्ना बच्चे हैं मेरे दो, वो भी खबर पूरी करते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा डेयरिंग एंड पशुधन विभाग से भी आए हुए हैं मेरे ख्याल में। हाँ, हाँ, यहाँ के सब डिविजनल अधिकारी हैं यहाँ पर हरियाणा डेयरिंग एंड पशुधन। आ जाइए जी।
आपको सीधा लाइव जोड़ रहे हैं, तो क्या कुछ सरकार की तरफ से है, जैसे दूध प्रतियोगिता में पास होती हैं, कितने लीटर तक की भैंसें हैं, झोटों के लिए क्या है, मेल बफेलोस के लिए क्या कुछ है? झोटों के लिए तो एक्चुअली प्रदर्शनी में ही जाते हैं ये जी। हाँ, और दुधारू पशु के लिए हमारी स्कीम क्या पैमाने हैं? 18 से ऊपर से हम शुरू करते हैं, चाहे किसी भी नस्ल की दुधारू। नहीं, इसमें मुर्रा में जी, सिर्फ मुर्रा है, मुर्रा में, और नहीं हरियाणा गाय में है, साहिवाल में है, हमारी जो यहाँ की लोकल देसी नस्लें जिनको बोलते हैं। तो क्या क्या, कितना कितना प्रोत्साहन राशि क्या क्या है? 8 किलो से ऊपर से शुरू हो जाता है जी, 8 से 10, 10 से 12, 12 से ऊपर जी। इसमें 3 कैटेगरी बनी है। इसी तरह से जो साहिवाल है, साहिवाल में 10 से ऊपर से शुरू करते हैं, 10 से 12, 12 से ऊपर। सो क्या राशि, प्रोत्साहन राशि क्या क्या है सरकार की तरफ से? प्रोत्साहन राशि का अभी तो इस बीच यहाँ देखिए किस तरह से बड़े बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, जिला करनाल जो परिषद उसके सदस्य हैं यहाँ पर, सुनील सिंदर यहाँ देखे जा सकते हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, एक जो यहाँ का पशुपालक है उसके प्रयास को एक तरह से अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सुनील सिंदर वार्ड जिला परिषद के वार्ड 24 से सुनील सिंदर यहां पर पहुंचे हुए हैं जी, इस शख्स के लिए जिसे आप देख पा रहे हैं, आज खास तौर पे आप जवाड़ा पहुंचे हैं इनके मशु बाड़े में जी। मैं न तो इनको सलाम करता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं, भाई मारा भाई एक अच्छी नस्ल के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और सही कर रहे हैं, मेहनत के दम पे अपनी जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं इनको इस बात के लिए शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, हमारा भाई ऐसे ही करता रहे, हम अपने आपके भाई के साथ हैं, जैसे भी हमारे लिए भी जो कोई आदेश ड्यूटी है, हमारा जो फर्ज बनता है हम वो भी अपना निभाएं, जो पूरे गांव का भी और भाई का मैं धन्यवाद करता हूं। एक अच्छी नस्ल का पशु इन्होंने लंबे टाइम प्रयास करके तैयार किया जी। हरियाणा की जो पूरी दुनिया में डंका है मुर्रा नस्ल का, तो और जो पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उनके लिए किस तरह की नस्लें पाले हो? देखो अच्छी नस्ल जो भी मालूम मुर्रा भी है और एक दो नस्ल और हमारी अच्छी हैं जी, जैसे अगर गाय की बात करें हम, देसी गाय की बात है, हरियाणा नस्ल है, हरियाणा नस्ल है, जैसे थारपार है, गिर है, कई अच्छी नस्लें हैं जी। भाई हाईब्रिड की बजाय जो हमारी लोकल देसी, हमारे देश की और प्रदेश की जो नस्लें हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दें, जिससे हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए जो भी घी और दूध इनसे लेते हैं हम, वो भी एक स्वस्थ है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का है, और जो ये हमारे दूसरी संकर नस्ल की जो भी हैं वो अच्छे नहीं है जी। वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है और प्रकृति के लिए भी अच्छे नहीं है। तो हमसे ये याद जोड़ के अपने सभी किसान भाइयों से, पशुपालकों से प्रार्थना करते हैं, एक अपनी अच्छी नस्ल के पशु तैयार करें, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं हमारी ओर से जी। यहाँ पर प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी है और उन संस्थाओं के भी नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पर उल्टा सीधा कर लीजिए इनको, सीधा कर लेनी जी। तो तमाम जो बड़ी पीढ़ी के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर? गांव से ही हो? नहीं, बाहर से। कहाँ से? बदाड़ा से। तो आपके भी किसी पशु ने जीता है मुर्रा नस्ल का झोटा कैटेगरी? रिश्तेदारी। अच्छा, रिश्तेदारी में। तो आप भी बताइए कुछ। मैं इसी गांव का हूँ जी। जी, नाम बताइए साहब। ये हमारा भतीजा जय सिंह नाम है जी। ये अपना ये भतीजा है। जिस तरह से लगातार आपका भतीजा पशुपालन के मामले में आगे बढ़ रहा है और उपलब्धि पे उपलब्धि हासिल कर रहे हैं उसके द्वारा जो पाले गए पशु हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हमारी तो ये शुभकामनाएं हैं भाई, ये आगे बढ़े और हमारे भी इनके ऊपर आशीर्वाद है, हमारा भतीजा ये आगे बढ़े और हम इनकी प्रयास की सराहना करते हैं, इनके शुभकामनाएं देते हैं इनको जी। आप भी बताइए नाम। मैं बलवान सिंह भाई ताऊ का लड़का हूँ इसके जी। तो आज बड़े खुश हैं आप लगातार? तो हमें बड़ा गर्व है जी, इनने झोटा तैयार किया जी और हमें नजदीक में आगे करवाने को मिल जाता है, हमें तो फायदा है इसका जी जी। आगे नस्ल बढ़िया होगी जी। आप भी बताइए साहब। राम मेरा जी, ये भाई है इसका सगा। तो भाई हो तो भाई को तो और ज्यादा खुशी डबल होगी फिर, है ना? आप भी बताइए। मैं दिलबाग सिंह, ये संजय जो है अपना भतीजा है, ये जो मेहनत कर रहा है इतने बढ़िया, मतलब मेहनत करके इसने पशु तैयार कर रहे हैं मुर्रा नस्ल की, तो बधाई के पात्र हैं और इनको शुभकामनाएं देते हैं हम,
और इससे भी बढ़कर चार महीने की जो इसकी साढ़े तीन चार महीने की कटड़ी है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। इसके लिए भी हम इसको बधाई देते हैं और ये इसको मेहनत करके इस कटड़ी को भी बहुत बड़ी अच्छी नस्ल है ये, और इसको बड़ा अच्छे तरीके से तैयार करके ये भी एक दिन ऐसा आएगा ये भी प्रख्याति हासिल करेगी। जो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। हरियाणा के जो हरियाणा हिसार की साइड, जींद की साइड या कैथल की साइड ही मुर्रा ज्यादा वो होता है, तो अब की बार थोड़ा सा इस तरफ बढ़ेगा, पगड़ी तो इनको दे दो, बढ़ेगा इसका जो कोई कर्मचारी हाँ बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा जैसे सरकार प्रोत्साहन दे रही है। हेलो, तो लोगों का रुझान बढ़ रहा है इसमें, कुछ सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है जी, जैसे संजय भाई कर रहे हैं और लोग भी हैं, और इनसे काफी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, इससे प्रेरणा मिलेगी। तो जो पशु पालक हैं इनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरह के पशु पालन को बढ़ावा दे? सभी पशु पालकों से सरकार की तरफ से और हमारे तरफ से ये एक तरह से अपील करेंगे कि एक तो नस्ल पे ध्यान दें। बिल्कुल, अब जैसे किसी पशु नए दूध होने को आता है तो किसी भी जानवर से या मिल जाता है जो भी मेल उससे करवाते हैं, लेकिन अभी जैसे कैंप लगते हैं या अब हॉस्पिटल में भी हम कृत्रिम गर्भाधान का है जैसे जानकारी देते हैं, कृत्रिम गर्भाधान को अपनाएं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी नस्ल के जो मेल हैं हाँ उनका सीमन वहाँ पे प्रोक्योर करके उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरा, इनके खान पान का खान पान प्रॉपर तरीके से दिया जाए, और वैक्सीनेशन का हम इन तीन चार चीज़ों के ऊपर ना विशेष ध्यान रहता है। नंबर एक तो ब्रीडिंग का, जो ब्रीड की तरफ ध्यान दे, अच्छी ब्रीड के पशु पाले, ज़्यादा भीड़ ना करने की बजाय अच्छे पशु पाले, कम पाले में सक। तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है मोर्टैलिटी रेट को कम करने के लिए उनका कितना बड़ा योगदान रहता है? सरकार का पूरा योगदान है इसमें, जैसे टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन होती है। अब एलएसडी के बारे में हम बताएं, हरियाणा में मोर्टलिटी नाम के मतलब नाम मात्र रही है बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई थी इस तरह की, और सरकार ने विभाग ने पूरे जोर शोर से काम किया इस पे, टाइम पे वैक्सीन हुई है। और बहुत बहुत शुक्रिया, सुने थे बलजीत जो तो गोलू, एक का नाम गोलू, दूसरे का वीरा, वीरा और ये छोटे मुर्रा नस्ल के प्योर छोटे आपको नजर आते हैं, जिन्होंने जीता है महेंद्रगढ़ जिले में इनाम, इस समय तस्वीर आपको नजर आती है, बने रहिएगा जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों में, आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप बहुत बहुत धन्यवाद।